लड़ी है और हम उसको कभी भी दे नहीं सकते, लेकिन तीर्थ महाराज जी की कृपा से मैं ये कामना करता हूँ कि वैष्णव लोग मुझे आज्ञा दें कि मैं गुरुदेव की श्री है का जो देश और जो भी खर्च आएगा उसको मैं दे सकूँ। मैं चाहता हूँ कि गुरुदेव की फिक्र है इसने समाधि मंदिर में रहे और उसके पर मित्र जो है उनके बारे में निकट में रहे, यही वैष्णव कृपा को चाहते हुए मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। पांच साल का गुरु वैष्णव के बाद गुरुदेव नाम पाप में गुरु वैष्णव में जो Gracias.
लेकिन परिचय नहीं
दोस्तों मेरा संपूर्ण रूप से विरोध नहीं है, क्योंकि संपूर्ण रूप से विरोध हो जाएगा तो मैं बच नहीं सकता। नहीं सर्वत बना भक्ति नारियों को नहीं सर्वत बना वचित मन किसी एक प्रकाश में किसी एक रूप में मैं तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन मैं अनंत प्रकाशन प्रकाशन मुझे देखो मैं केवल ब्रह्मांड में देखा सकता हूँ, दूसरे ब्रह्मांड में देखा देना है करने की तमन्ना करते हैं।
राजा कृष्ण के अनुमोदन कर दिया
जैसे दीक्षा आप हमारे बारे में बहुत छोटे हैं और इनको मैं प्रदान करूँ, लेकिन उनका आदेश पूरा कर सकता इच्छा ने वो आदेश भी एक प्रकार की सेवा की तो पालन करते हुए गुरु शिष्य के संबंध में गुरु शिष्य समझ सकते हैं। इसका पहले तक प्यार नहीं किया और प्यार कैसे अनुभव करता है, इसको हुआ है जब एक शिष्य दूध के जन से अलग हो जाकर उनसे थोड़ी तरह अलग होकर विद्या करता हो तो क्योंकि पिता दूसरे से भी बड़ा होना संबंध होता है, पिता दूसरे का संबंध कहीं कहीं द्वार होता है, आपकी चार होती है अपनी उत्सुकता होती है, उनका भी भजन तो होता है भजन तो अलग भजन तो होता है, जैसा पिता के जैसे करेंगे पिता जी हमारे घर का करेंगे कहीं से स्वाद देगा, या पिता जब पेड़ को कुछ देगा तो बात होता है कि बेटा बचे पढ़ो मेरा नहीं बात करेगा क्या दिल कर, लेकिन गुरु जी कहते हैं हम लोग जीवन में करना है तो बात नहीं समझे जीव को कुछ कहीं पड़े हुए मकोड़े को यात्रा को आना है यात्रा को एक पड़ाव डालते हैं तो दिन दिन से फिर आगे बन जाते हैं, आपकी यात्रा हम लोग करने आते हैं भगवान भक्त यात्रा को तय कर देना आपके जानकर हम जैसे उपरान करने हम लोग मदद करने के लिए है और आपका दलित जाति स्वभाव में कुछ स्वार्थ नहीं है, लेकिन जगत पीड़ा के पशुओं से चल रहे आदमी वर्ष पेड़ दिन जितनी भी पूजा करो उस पूजा में कहीं ना कहीं स्वार्थ है, सेवा नाम अगर किसी व्यक्ति को या किसी देवता के आगे को चढ़ाते हैं मान लो कोई नारियल चढ़ाते हैं तो नारियल छाया में भी दिखाई पड़ेगी, कोई चढ़ाते तो कोई दिखाई पड़ेगी, मतलब देवताओं का कितना देंगे देवता मत नहीं देंगे ज्यादा देंगे, वो नियम होता देव वो नियम से बाहर नहीं जा सकते, लेकिन भगवान के भक्त के बारे में बहुत दर्श होता है, जबकि भगवान का दिन है लेकिन इनको भगवान ने पसंद कर देते हैं, इसलिए अपने इस बात को तैयार करें तो हम किसी को भी भगवान मिला सकते किसी के बंधन में जन्म जन्म करने और एक शख्स की व्यक्ति का भी सारे बंधन में सारे करता है जब वो ऐसे परम प्रसन्न में भगवान के भक्त की कृपा हो जब व्यक्ति सब अनर्थ को सब संसार के वास्तव में त्याग देता है त्याग अपनी सब मना महर्षि कृपा के दर्शन हो जाए कृष्ण भक्ति पूर्ण हो संसार से तो कहते हैं परम संसार में भगवान की कृपा पात्र भाषा जैसे हिंदी के ऊपर छाए से कृपा करते हैं तब व्यक्ति सर्व त्याग करके समर्पित होता है, मैं आज तक हुए आए तो आपके स्वरूप को प्राप्त करते तो मेरे समांतर को पा सकते जिसके सुनने से व्यक्ति अपना जो स्वरूप को
हमारी कथा में हमारे नाम में इतना सामान
ये जब ना निकलता आते तो कर्कट बहुत जल निकलता है, वो कर्कट कंगाल को भी जबर हजर को भी पवित्र कर देता है। दोनों को समझा दोनों केवल
Thank you.
बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी आशीर्वाद परम हृदय स्वामी प्रज्ञा के स्वामी महाराज स्वामी से next, I want to thank all the Vidyadhi Sanyasis, seniors, Vaishnava, Vaishnavis, all mothers, uncles and aunties, sisters, brothers, to observe the Thank you.
disciples with my destiny. No one else. And by His mercy, relationship with all develops. Only by His mercy. What does it mean by His mercy? It means through Him only. So as we become rooted, we have mundane relationships. Isn't it? If we have any relationship with Him, because of our mercy. You are my one brother. Only related to each other and understand the beauty. So what has Gurudev given? Although he is no longer in our vision, as we used to know him, but he has given us a complete family. A family of loving brothers. Vaishnavas, Vaishnavis, who have imbibed this mood, we are sitting here this morning, yesterday, Vaishnavas here, this evening we will be sitting here tomorrow. But when we look what Gurudev has given, the loving family of the devotees. We are not going for anything else, only that which binds us together. And then what binds us together? It is love and affection. If we see in our own life what has worked out and what has not worked out, what has been successful and what has not been successful, unless there is love, there is beauty, there is affection, nothing has succeeded. Nothing has really whatever we have, if we have accumulated a lot of money, a dignity position, but if we have no love and affection, we are not devoid of life. And what will happen? We will either be living that person, or we will commit that also of action. In spiritual circles, like Vaishnava community especially, without love and affection, there is no success. And what did Sri Gurudev teach us? Not only by His own words, but by the combined efforts, spiritual power and nourishment of His godbrothers, Paramahansa Parashuddhananda, Paramahansa Parashuddhananda, those of you of us who have not had their association, by Gurudev Kripa, we have received their association. Now what happens now? Just now Gurudev left our vision. But how did he leave? And why did he leave? This particular moment we have heard from our Vaishnava speakers that Srila Prabhupada, Ashwamedha Prabhupada, Adhivana Gurudev, three bodies are one soul. How they inspired and nourished so many Vaishnavas. It was a most astounding example. So this glory Sri Gurudev wants us to always remember, so that together we can also continue His legacy and bind each other through real relationships by love and affection. How is this done? This is in Vaishnava circle. When Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj departed that division of His followers, he called Sri Gurudev and told him, please instruct my followers how they should understand to continue my mission. And what did Gurudev say? I don't remember anything, but he knows important things that
Smiling like this, he taught all these leading followers who were present that don't ever believe that your Guru Maharaj is not with you. He is always with you. He is not an ordinary person. We are ordinary. We think he is like us. He has a human body. His body was all people. What he can say, what he says. Yeah. These are all ordinary. Guru is never sick. And he is not old. He doesn't die. He is eternal. And by this transcendental, what is the main transcendental for him? It means that he completely uses